हेलो एवरीवन, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है वर्क एनर्जी बार। इसकी फॉर्मूला शीट हम यहाँ पे देख रहे हैं, सारे के सारे जो मेजर फॉर्मूलाज हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। तुमको लगता होगा ना कि बहुत ही ज्यादा इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इतना कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि नीट वगैरह के अंदर फॉर्मूला को इंटरमिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है कि एक फॉर्मूला पहले आधा क्वेश्चन का पार्ट किसी और चैप्टर से उठा देंगे, फिर तुम जब उस चीज को निकाल दोगे तो फिर तुम्हें वर्क एनर्जी बार में अप्लाई करनी पड़ जाएगी। लेकिन फॉर्मूलाज यही होते हैं, बस वो इंटरमिक्स हो रहे होते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो वर्क एनर्जी बार के अंदर हम इन फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जब भी एफ डॉट डी एस या ए डॉट बी हो रहा होता है, जब डॉट को हम हटाएंगे वहां से, तो जब उनके बीच का जो एंगल है वो कोस वाला होगा, यानी कोस थीटा आएगा। अगर हम बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे होता, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जब हम उसको हटाते हैं, या अगर वो होता है एफ क्रॉस एस, तो वहां पे आ जाता है एफ एस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ डॉट एस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एफ एस कोस थीटा, ठीक है। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो उनके बीच का एफ और एस के बीच का कोस एंगल लेना है, कोस थीटा लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में कि एफ डॉट डी एस, और ये इंटीग्रेशन हो रखा है। जो नीचे वाला हमारा होता है ये होती है लोअर लिमिट, और ऊपर वाली होती है हमारी अपर लिमिट जो चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट हमारी बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो रेस्ट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई चीज मोशन में है तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई चीज रेस्ट पे है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी मोशन की वजह से है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसके लिए जो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है इसके फॉर्मूले को रखा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले देखने में तुम्हें दिख रहा होगा सेम सेम से लग रहे हैं। तो जब तुम इस वीडियो को दोबारा से देखोगे एक बार 2x पे करके, तो तुम्हें इजीली ऐसे क्लिक कर जाएगा ये कि हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ kx स्क्वायर। तुम्हें इजीली याद रहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती थी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर होती थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे बता रही हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और ये हाइट के साथ ना चेंज होती जाती है, जितनी ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे उतनी ज्यादा ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो हमारी क्या आ जाएगी, यू इज इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। क्या आ जाएगी, यू इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये सबको पता होता है जनरली, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में दो सिचुएशन होती है जो याद रखने की है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती है जो चेंज नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या है और ये दूसरी सिचुएशन है। पहली हमारी है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। सेकेंड सिचुएशन हमारी आती है कि फोर्स इज एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये इतना ज्यादा क्रूशियल है कि अगर तुम इसको एग्जाम में डिराइव करने बैठो तो तुमसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है एक मिनट के अंदर अंदर। तो तुमको क्या करना है, इसको याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। तो जब तुम्हें इसके यूज पड़ेगा तो तुम तुरंत से इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा होगा तो तुम माइनस डी यू बाई डी एक्स को यूज करके इजिली निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ फॉर्मूला की, जो कि है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनके थ्रू वर्क डन, ठीक है, इन क्लोज पाथ की। क्लोज पाथ के अंदर जब कोई क्लोज पाथ होता था, तो अगर हम मैं बोलूं ये कोई क्लोज पाथ है और यहाँ से तुम चले और लौट के यहीं पे तुम आ रहे हो ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता था। भले ही डिस्टेंस बढ़ गया हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी तुम्हारी पोजिशन में क्या चेंज आया है, कोई चेंज ही नहीं आया कि तुम ए से ही चले थे और ए पे ही वापस आ गए हो, तो वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो वर्क होता है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो क्लोज पाथ के अंदर हमारा जो वर्क होएगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क होएगा, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि एफ डॉट डी एस जीरो आ जाएगा। इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो सर्कल बना रखा है ये इसलिए बना रखा है कि जो पाथ है यहाँ पे वो क्लोज है, ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। सेवन्थ हमारा आता है पावर। पावर को पढ़ने के बाद तुम यहाँ से इसको पढ़ो कि ये खुद ही बता रहा है वर्क, यानी वर्क मैंने इसको इस तरीके से लिखा है ताकि तुम ट्रिक के थ्रू तो समझ जाओ कि पावर में वर्क, वर्क करने की क्षमता किसी टाइम में, उसी को हम कहते हैं पावर। तो यानी वर्क करने की क्षमता किसी
टी टाइम में यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारा होता है पावर, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूं, हमें पता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डी टी को एज इट इज रख लिया, और डी एस बाई डी टी यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारा वेलोसिटी होता है, तो इस वजह से यहाँ पे एफ डॉट वी भी हम इसको पावर को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बार सुना होगा तुमने, लेकिन फिर भी एक ना डाउट सा रहता है मन में कि पता नहीं ये क्या है, तो तुम इसके नाम को पढ़ के समझ सकते हो कि वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताने वाली थ्योरम को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो नेट वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज और वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये दो ऐसे फॉर्मूला है कि ज्यादातर फॉर्मूला शीट में इसको स्किप कर जाते लोग, लेकिन मैंने इसको ऐड इसलिए करा है ताकि तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है अप्लाई करने के लिए तो तुम्हें इजिली तुम्हें ये चीजें याद होगी, तो तुम अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है निगेटिव का सिंबल हम पहले लगाना है एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जबकि बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की जिनको कंजर्वेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, उनको ठेकेदारी ही नहीं है किसी चीज की, तो उसमें सीधे सीधे पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के चेंज को प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को ऐड कर देना है तुमको। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस चीज को, इस पूरे को तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको थोड़ा सा नोट कर लो, सिर्फ 7-8 फॉर्मूले ही, और इसको एक दो बार अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मेन जो चीज आती है वो तुम्हारे एप्लीकेशन की आती है बाद में कि तुम इन फॉर्मूला को कैसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, अप्लाई तुम्हारी करने की जिम्मेदारी है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेनली तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो। एक नई वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।